70 साल बाद कांग्रेस का लौटा दोबारा शेर। बता दें कि 78 सीटों पर कांग्रेस ने पछाड़ दी बीजेपी की पार्टी। बता दें कि राजस्थान के जो नियम पर पहले अड़ी थी, उस नियम पर सचिन पायलट को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की टीम मजबूती होती जा रही है और राजस्थान की एक बार फिर से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 78 सीटों पर यहां पे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं सचिन पायलट, और उसको लेकर के कांग्रेस हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी एक एक आदमी से मिलकर अपना पक्ष हासिल कर रहे हैं और उसको लेकर वोट का भी पूरा तोल मोल करके अपना तरफ आकर्षित कर रहे हैं और बीजेपी को हराने के हर एक नुकसान और हर एक फायदे पर बात करते हुए जा रहे हैं। इधर सचिन पायलट को देखा जाए तो सचिन पायलट को बहुत ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है और 2024 के चुनाव में हर एक पार्टी जो भी बीजेपी की है वो बदल कर कांग्रेस की कर दी जाएगी, ऐसा अभी अभियान चलाया जाने वाला है। इसको लेकर सारे जगह पे माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गई है और इसको लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा अपना रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। इसको लेकर हर पार्टी में हर एक नेता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 2024 के चुनाव में उन्हीं को सत्ता मिल जाएगा, और इसको लेकर 78 सीटों पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे आगे कांग्रेस निकल सकती है। तो सचिन पायलट को राजस्थान से देखा जा रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।